हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्रा वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट ये आपके मेट वन की एनर्जी रीडिंग है फेबरी 2023 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती आप सबको फुल मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है मेरे साथ आप मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं सो so, uh, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें ओके लेट्स स्टार्ट लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं और इफ़ यू वांट टू डोनेट मी फॉर माय फ्री जनरल रीडिंग सो यू कैन डोनेट मी और माई पेपाल लिंक ओके यू कैन फाइंड द डोनेशन बटन देयर ओके लेट्स So, card फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ दट्स मीन लाइक यू आर हैविंग happiness around you. आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा happiness हो सकती है कोई fun या कोई uh, fun है या आप अपने अंदर फ़न ढूंढ रहे हैं इंजॉयमेंट है बहुत ज़्यादा या तो चिल्ड्रेंस के साथ आपकी इंजॉयमेंट है आपके इर्दगिर्द बहुत से childrens हैं उनके साथ है या लाइक uh, like, एक दूसरे लाइक like, आप जस्ट फील कर रहे हैं ये अपनडेंट हाई प्री स्टेज का कार्ड दो बार मेरे सामने आया है तो मैं इसको कंसिडर करूँगी एज आ मैसेज फॉर यू सो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंटिव भी हो रहे हैं लाइक like, आपके गाइडेंस आपको मिल रही है यहाँ पर मुझे एनलाइटेंट वाली एनर्जी नज़र आ रही हो सकता है आपको इनलाइटमेंट हो रही है किसी चीज़ की या आप अपने आप में मिस्टीरियस हैं अपने आप में खुश रह रहे हैं आपके इनर हैप्पीनेस आपको मिल रही है यहाँ पे मुझे इनर हैप्पीनेस मिलती हुई नज़र आ रही है या आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं इस टाइम पर आपको बहुत से ड्रीम्स आ रहे हैं ओके फाइव ऑफ कप लिब्रास के लिए है ये एक लिब्रास के लिए है ये वाली रीडिंग तो यहाँ पे फाइव ऑफ कप है इट्स मीन कि आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं आप हो सकता है मिस्टीरियस हो जाएं या फिर डिसअपॉइंटेड फील करें किसी हवाले से ओके okay, सो so यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई चीज़ आपके कोई कोई हिडन चीज़ आपके लाइम लाइट में आ, आ रही है जिसके बाद okay, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं ओके जिसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं या हो सकते हैं इन मिड ऑफ द मंथ से लेकर एंड ऑफ द मंथ तक या फिर आप इमोशनल लॉस फील कर सकते हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो सकती है लेकिन आप कुछ इमोशनल लॉस फील कर सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ में क्वीन ऑफ सोर्स किंग ऑफ सोर्स हो सकता है आपके और आपके पर्सन के दरम्या बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो सकते हैं या कुछ um, जो कि अनहेल्दी सिचुएशन बन रही है um, कुछ ट्रुथ या क्लैरिटी लाइक एक दूसरे के सामने कुछ ट्रुथ आ रहा है आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से जो कि एक अनहेल्दी सिचुएशन है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए आम, या कुछ सिचुएशन है जिस जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में उनको आपको क्लियर करना जरूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें क्लियर करना सो so, आप उन्हें क्लियर कर रहे हैं के अनहेल्दी आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ में आपके और आपके पार्टनर के तो आपको बहुत ज़्यादा केयर केयरफुल रहना है क्योंकि आपको कुछ एनजाइटी हो सकती है हार्ट ब्रेक्स एंजाइटी या ओके प्लीज यूनिवर्स टेल मी द आउटकम विल द आउटकम ऑफ दिस आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी Is disappointment का और इस argumentative एनर्जी का आउटकम क्या होगा तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है आपकी सक्सेस मिल सकती है आपको बट आफ्टर delays, कुछ डिलेज के बाद आपको जो है वो कुछ क्लैरिटी मिल सकती है बट आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट करना होगा इस सिचुएशन में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है जैसे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट करना होगा क्योंकि आपकी लाइफ में एनजाइटी लेके आ सकती है और अगर आप कपिल हैं तो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ हार्श वर्ड्स या आ, आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी हो सकती है बी केयरफुल अबाउट इट अपने आप को केयरफुल रखें इस हवाले से लेकिन कुछ डिलेज आ सकते हैं लाइक like, सक्सेस पाने में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको या कमिटमेंट इशूज हो सकते हैं आपको आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट इशूज हो सकते हैं उसमें डिलेज आ सकते हैं अगर आप अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ डिलेज आ सकते हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप इन्जाइटी से गुजर सकते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है लेकिन आप अपने अपना टाइम लें आइसोलेट हो जाए मुझे लगता है कि आइसोलेशन की एनर्जी है आप आइसोलेट हो सकते हैं और ताकि आप कोई डिसीजन बना सकें अपने लिए या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके दरमियान आर्गुमेंट हो सकते हैं या फिर आप कि मैरिड लाइफ में ही कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं सो so, इसमें कुछ डिलेज है सक्सेस हासिल करने में कुछ डिले हो सकता है आपको अपने पर्सन के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में कुछ डिले हो सकता है कमिटमेंट चाहिए आपको आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं और आपको कमिटमेंट चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए तो उस हवाले से कुछ सिचुएशन जो है वो आर्ग्यूमेंट की तरफ जा सकती है और यहाँ पे कुछ डिलेज हो सकते हैं सो लेट्स सी के यहाँ पर मैं मैसेज क्या है आपके लिए और इधर मैन सेंजल मैसेज फॉर लिब्रास इन दिस सिचुएशन अट्रैक्शन यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाई इन्जॉइंग दिस मूमेंट फुली लाइक ये इस मोमेंट को फुली इन्जॉय करें लाइक like, अपने पर्सन के साथ आप लाइक like, आपको अट्रैक्शन क्रिएट अगर करनी है तो आपको एक प्लेफुल एनर्जी में आना होगा रीट्रीट इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्राम द वर्ल्ड या हो सकता है कि आप वर्ल्ड uh, से थोड़ा बहुत डिसकनेक्ट हो जाएँ आप हैप्पीनेस तलाश कर रहे हो सकता है वो हैप्पीनेस आपको नहीं मिल रही तो आप थोड़ा डिस्टैच हो सकते हैं वर्ल्ड से आइसोलेशन में जा सकते हैं हाई प्रीस्टेज और हर्मिट की एनर्जी दोनों एक जैसी हुई हैं तो आप आइसोलेशन में जाके कोई डिसीजन लेने के लिए बारे में सोच सकते हैं इट इज सेफ फॉर यू टू लव ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल और ओके सो यू नीड टू बी पुट एन एफर्ट इन दिस कनेक्शन लाइक आपको एफर्ट डालनी होगी अदरवाइज यहाँ पे सेफ है आपके लिए अगर आप इस पर्सन के साथ लव रिलेशनशिप में रहते हैं बट यहाँ पे कुछ डिलेज हैं अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में कुछ डिलेज हैं सो देट वॉज योर रीडिंग लिब्रास इट रिजनेट यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन कम इन लो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब मैं चढ़ाऊँ थैंक्स फॉर वॉचिंग